भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में बसा प्रसिद्ध शहर हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और पूजनीय स्थल है, जिसे अभी मूर्त क्षेत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ ये बौद्ध और जैन धर्म का भी पवित्र स्थल है, जिसकी खूबसूरती शाम होते गंगा घाट पर नजर आती है। वाराणसी का नाम दो नदियों वरुणा और असी के संगम पर पड़ा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। ये शहर गंगा नदी के तट पर है। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक शहर माना जाता है। यह हिंदू जैन और बुद्ध धर्म प्रचलित है। वाराणसी का मुख्य भाषा बनारसी और भोजपुरी है। ये शहर भारत का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र भी है। गौतम बुद्ध ने इसी शहर में अपनी पहली देशना दी थी। अकबर ने इस शहर में दो बड़े मंदिर बनवाए, विष्णु और शिवा की याद में। वाराणसी उत्तर भारत का सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। कहा जाता है कि वाराणसी की स्थापना भगवान शिव ने की थी। महाभारत के पांडव भी शिवा की खोज करते हुए इस शहर में पहुंचे। गौतम बुद्ध ने यहाँ बुद्ध धर्म की स्थापना की। भक्ति काल के कई मुख्य लोगों का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीरदास उनमें से एक हैं। सन 1507 के महाशिवरात्रि के समय में गुरु नानक इस शहर में आए और सिख धर्म फैलाए। अंग्रेजों के राज में वाराणसी को एक नया राज्य बना दिया गया था, जिसकी राजधानी रामनगर थी। 2006 के हिसाब से वाराणसी की 29% आबादी रोजगार है। रेशम कपड़े को सीना यहाँ का मुख्य काम है। ज्यादातर मुसलमान इन कामों में व्यस्त रहते हैं। ये शहर इसके बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है। पर्यटन यहाँ का दूसरा पैसा कमाने का जरिया है। कई लोग वाराणसी यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को देखने आते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आते हैं। सबसे ज्यादा मेहमान यहाँ अक्टूबर और मार्च के महीने में आते हैं। वाराणसी के कई लेखक और कवि में से कबीरदास, रविदास और तुलसीदास कुछ हैं। वाराणसी में कई अखबार छपते हैं, जैसे कि वाराणसी चंद्रोदय। वाराणसी चित्रकला के लिए एक प्रख्यात केंद्र है। यहाँ की बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, कांच की चूड़ियाँ, पीतल की चीजें और ढेर सारे हस्तशिल्प बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। यहाँ के अनेक गीतकार और नर्तक में से बिस्मिल्ला खान, रविशंकर, गिरिजा देवी और सितारा देवी कुछ हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने नाच और गाने की कला को विकसित किया था। रविशंकर को अपने सितार बजाने की कला के लिए भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था। यहाँ महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। वाराणसी के लोग 5 दिनों तक गंगा महोत्सव भी मनाते हैं। ये गाने के जरिए जश्न मनाते हैं। वाराणसी के इतिहास में ये शहर शिक्षा का भी केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर 80% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ कई सारे विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं। उनमें से कुछ निम्न हैं: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। यहाँ के प्रसिद्ध खेल बास्केटबॉल, क्रिकेट और हॉकी है। यहाँ खेल के डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वाराणसी को महाशमशान कहा गया है। दोस्तों, अगर आप लोग कभी बनारस जिला घूमने गए हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुदा हाफिज दोस्तों।